हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टैटिक्स दी नेक्स्ट एक्सरसाइज करन जा रहे हैं, लेमीज थ्योरम एक्सरसाइज 2D, फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ये चैप्टर चलता पाया, वो फरदर असी लेमी थ्योरम अज करन जा रहे हैं। सब तो पहला असं समझांगे स्टेटमेंट, इफ थ्री फोर्सेस नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, दैन ईच फोर्स इज़ प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ ओपोजिट एंगल बिटवीन अदर टू। देखो, तीन नॉन कोलीनियर फोर्सेज आ, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर दियाँ। ये तीन फोर्सेज मैं ले लिया। सपोज करो ये फोर्स पी लग रही है इस पॉइंट पर, ओ ते एक फोर्स क्यू लगती पई है, एक फोर्स आर लगती पई है। फोर्सेज इस हिसाब न लगदियाँ पईआं कि ये बैलेंस आ, ये पॉइंट बैलेंस आ, ये बॉडी बैलेंस आ, यदि मूवमेंट नहीं होनी, यदि मूवमेंट नहीं होनी, बैलेंस करी इक्विलिब्रियम चैतनो फोर्सेस। कहिंदा मीनिंग आ कि इन्हां फोर्स लगाने ते बॉडी नूं कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। सो लेमी थ्योरम कदों एप्लीकेबल आ, जदों फोर्सेस नॉन कोलिनियर होण, एक्टिंग एट ए पॉइंट, सेम पॉइंट ते एक्ट करदियां होण, तीसरी गल वो इक्विलिब्रियम च होण, फिर असीं लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरीके करनी, की कह रही है स्टेटमेंट, ईच फोर्स प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ द ओपोजिट एंगल बिटवीन अदर टू। जिस तरीके साढ़े कोल पी फोर्स आ, तो जे मैं ये एंगल अल्फा सपोज कर ला, अदर टू फोर्सेज उन्हां विच एंगल अल्फा सपोज कर ला, तो ये पी प्रपोर्शनल होएगी साइन ऑफ ओपोजिट एंगल, साइन ऑफ ओपोजिट एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। जे मैं क्यू फोर्स लैना, तो ये वाला एंगल जे मैं बीटा ले लैना अदर टू फोर्सेस विच ओपोजिट एंगल, दैन क्यू होएगा प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा। इदा ही आर फोर्स दे ओपोजिट एंगल ए वाला अदर टू फोर्सेस विच एंगल गामा जे ले लिए, तो हो जाएगा आर प्रपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ गैमा। ये साड़ी लेमी थ्योरम की स्टेटमेंट आ। इस बेस पर असी पूरी एक्सरसाइज के जोड़े क्वेश्चन आ वो करांगे। मैं फिर रिपीट करदा, फोर्सेज नॉन क्लीनियर होनी चाहिए, तीन फोर्सेज होनी चाहिए, एक्टिंग एट ए पॉइंट, सेम पॉइंट एक्ट करनी चाहिए, इक्विलिब्रियम च होनी चाहिए, मतलब बैलेंस कर दिया होन उस बॉडी नू। दैन ये साड़ी स्टेटमेंट आ लेमी थ्योरम दी। हुण असी एक्सरसाइज का फस्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं। हाँ जी, ये है जी फस्ट स्टेटमेंट, फस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2D। थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज़ 105 एंड सेकंड एंड थर्ड इज़ 120, फाइंड रेशो ऑफ फोर्सेस। सपोज करो कि फोर्सेस है मेरे कोल पी, क्यू एंड आर। ये एंगल जो मेरे कोल अल्फा होवे, ये एंगल मेरे कोल जे बीटा होवे, ये एंगल मेरे कोल जे गैमा होवे, तस मैनू ये गिवन आ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। सोल्यूशन किस तरीके क्वेश्चन करांगे, लेट देखो क्वेश्चन की पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है, ये वाला एंगल है मेरे कोल 105, ये एंगल मैनू गिवन है 105। दैन एंगल बिटवीन सैकेंड एंड थर्ड, ये एंगल कितना गिवन है सैकेंड एंड थर्ड, ये एंगल गिवन है 120। चाहे ना लिखो, चाहे तुसी इस तरीके लिखो, फर्स्ट एंगल आ 105, सैकेंड एंगल आ 120, ये गिवन है। सो थर्ड एंगल तुसी फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स 360, सो 360 जो तुसी माइनस करके वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो असी रेशो फाइंड करनी ऑफ फोर्स, सपोज कर लेने हैं, लेट पी क्यू आर बी थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पॉइंट, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कितना, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू 105, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर इज गिवन टू बी 120, सो एंगल बिटवीन आर एंड पी कितना होएगा वो कैलकुलेट कर लो, 360 चों
105 एंड 120 माइनस कर दो तो आ जाएगा एंगल विच इज़ 135, वो आ जाएगा 135 डिग्री। सो हुण सानू तीनों एंगल पता, ये हो गया 135। सो फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट ओ आर इन इक्विलिब्रियम, ए पॉइंट केड़ा ओ आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम च होनियां मस्ट आ, फिर ये लैमी थ्योरम असीं अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय लैमी थ्योरम, बाय लैमीज थ्योरम पी ओवर साइन ऑपोजिट एंगल 120, क्यू ओवर साइन ओवर ऑपोजिट एंगल 135 एंड आर ओवर ऑपोजिट एंगल 105। हुण इन्हां दी असी वैल्यूज़ कैलकुलेट करांगे। पी ओवर साइन 120 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60, क्यू ओवर साइन 180 माइनस 45 एंड 105 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 45। सो इन हुण असी सिंपलीफाई करांगे फर्दर, इन हुण असी करांगे सिंपलीफाई। इधर हुण मैं रफ कर दिंदा, उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ ही रही होएगी। सो पी ओवर साइन 180 माइनस 60 फस्ट क्वाड्रेंट, सो साइन ऑफ 60, क्यू ओवर साइन 45, साइन 45, इत्थे साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी यूज करांगे, आर ओवर साइन 60 कोस 45, कोस 60 एंड साइन 45। साइन 60 इज अंडर रूट 3 ओवर 2, क्यू ओवर 1 ओवर अंडर रूट 2, आर ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 एंड 1 ओवर अंडर रूट 2। सो सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई करिए तो साढ़े को आ जाएगा, जे मैं नीचे मल्टीप्लाई करदा 2 अंडर रूट 2 दे नाल, 2 अंडर रूट 2 दे नाल, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 6, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਡਰ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰ ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਪਲੱਸ 1। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 6 ਇਸ ਟੂ 2 ਇਸ ਟੂ अंडर रूट 3 प्लस 1। एक बार आंसर चैक कर लिया जाए, बिल्कुल सही आंसर है जी। हुण असी करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, ये है जी साढ़े सैकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अ मास ऑफ 40 के जी इज़ सपोर्टड बाय टू फाइन लाइट स्ट्रिंग्स, सपोर्टड बाय अंडरलाइन करो, सपोर्टड बाय टू फाइन लाइट स्ट्रिंग्स इनकलाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टू द वर्टिकल, वर्टिकल दे नाल एंगल 30 ते 60 बना रही है। डिटरमन द टेंशनस ऑफ स्ट्रिंग, ये टेंशन की हैल्प दे नाल समझांगे, जिहड़ी टेंशन आ हमेशा अवे जाएगी बॉडी तो। देखो ये साड़ी होरिजोंटल लाइन आ, इत्थे कोई जे साडे कोल बॉडी आ, इत्थे वेट एक्ट करता पाया 40 के जी, ठीक है जी, वेट एक्ट करता पाया 40 के जी, ये साड़ी वर्टिकल लाइन आ, ये वर्टिकल लाइन आ। इस वर्टिकल दे नाल दो फोर्सेस, दो स्ट्रिंग है साढ़े कोल, स्ट्रिंग केड़े केड़िया, टू फाइन लाइट स्ट्रिंग्स, एक 30 डिग्री एंगल बना रही है किहदे नाल, वर्टिकल दे नाल 30 डिग्री एंगल बना रही है वर्टिकल दे नाल, कहने का मीनिंग आ ये वाला जो एंगल आ ये ना 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है।
एक 60 डिग्री एंगल बना रही है वर्टिकल दे नाल 60 डिग्री एंगल, ये एंगल है साडा 60 डिग्री। तो इन्हां च टेंशन आएगी, इधर असी टी वन टेंशन लावांगे, इधर टी टू टेंशन लावांगे। जिहड़ी अपवर्ड फोर्स लगती पई आ इस वेट नूं उठाउण दे लई उहनूं असी कहांगे टेंशन। स्ट्रिंग विच वैसे प्रोड्यूस हुंदी आ वो फोर्स जिहड़ी उस वेट नूं कैरी करदी आ उहनूं आपां टेंशन कहांगे। जां तुसीं इदां सिंपल वर्डिंग च इह समझ लो कि इस मास नूं कैरी करन दे लई जिन्नी असीं फोर्स लगाने आ टोटल उहनूं असीं टेंशन बोलांगे। इधर असी क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रिंग आ तो उन्हां दी टेंशन भी अलग अलग होएगी। दो अलग अलग स्ट्रिंग आ तो उन्हां दा मास कैरी करन दी जो कैपैसिटी आ वह भी वक्री वक्री होएगी। इधर असी टी वन सपोज कर ली, उधर असी टी टू सपोज कर ली। इहनूं असी इस तरीके समझण की कोशिश करते हैं। आ देखो ये 40 के जी नीचे मास लमकाया होया, ठीक है जी। ये दो स्ट्रिंग आ जिन्हां ने वह मास कैरी करना, ये बिल्कुल इदा ही है जी। आ देखो असी इहनूं समझण की कोशिश करिए। आ देखो जे तो सपोज़ करो इदा इदा भी हो सकता सी, बट सानू किवें दिता होया कि एक जिहड़ी स्ट्रिंग आ वो वर्टिकल दे नाल 30 डिग्री एंगल बना रही है, एक 60 डिग्री एंगल बना रही है। वर्टिकल लाइन आ देखो तुसीं इत्थे देख रहे होगे, ये वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन दे नाल एक ए वाली स्ट्रिंग 30 डिग्री एंगल बना रही है। देखो ये वर्टिकल होगी, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। इस तरीके साढ़े कोल दो स्ट्रिंग आ जिन्हां ने वो मास कैरी किया होया, तो जिहड़ी स्ट्रिंग की अपवर्ड फोर्स लग रही आ अवे फ्रॉम द बॉडी वो साड़ियाँ टेंशनस आ जो असी इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करांगे। सो हो की रहा ये 40 के जी मास जिन्हों असी कैरी किया होया, 40 के जी मास इधर सपोज करो टेंशन टी वन, इधर टेंशन टी टू। जिनी फोर्स नीचे लगती पई आ, जिनी फोर्स नीचे लगती पई आ उन्नी टी वन ते टी टू ने फोर्स लगा के उन्हों बैलेंस किया होया, इक्विलिब्रियम च बैलेंस किया होया, ठीक है जी। उन्हें बैलेंस किया होया, सो तिने फोर्सेस मिलके इस पॉइंट नू इक्विलिब्रियम च रख्या होया। सो की फाइंड करना, टेंशनस फाइंड करनी स्ट्रिंग की किन्नी होएगी। सपोज कर लो लेट टी वन एंड टी टू बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग्स। दो वक्रिया वक्रिया स्ट्रिंग है साढ़े कोल, आप लिख भी सकते हैं ओ ए स्ट्रिंग या ओ बी स्ट्रिंग है, क्योंकि दो स्ट्रिंग अलग अलग है उन्होंने टेंशन भी अलग अलग होएगी। तो वह वर्टिकल दे नाल एक 30 डिग्री एंगल बना रही है, एक 60 डिग्री एंगल बना रही है। बहुता कुछ आप मैनशन नहीं करांगे, बहुता कुछ आप मैनशन नहीं करना, बहुत ही वर्डिंग भी नहीं आप लिखांगे। सो फोर्सेस केड़ी केड़ियां हुण साडे कोल टी वन टी टू एंड थर्ड वन फोर्स आ 40 के जी जिन्हों कैरी किया होया इन्हों दो स्ट्रिंग्स ने, तिने की आ एक्टिंग एट ओ, ए वाला पॉइंट की आ ओ, एक्टिंग एट ओ आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम च आ बाय लेमी थ्योरम अप्लाई करिए। T1 ओवर साइन ऑफ एंगल, कितना एंगल आप बाद डिस्कस करते, ये टी टू आएगा साइन ऑफ ओपोजिट एंगल, इदा ही 40 ओवर साइन ऑफ ओपोजिट एंगल, वो आप देखिए एंगल की आएंगे। बड़े ही ध्यान समझ की कोशिश करियो। सब तो पहला T1 की गल करनी है, जो T1 की गल करनी है फोर्स साढ़े को T1 T2 40 के जी, तो T1 की गल करनी है इस फोर्सेस विच एंगल फाइंड करना कि ये T2 ते 40 ए वाला एंगल सानू चाहिए, ए वाला एंगल, ये एंगल चाहिए। बड़े ही ध्यान समझना किहड़ा एंगल चाहिए, ए वाला एंगल सानू चाहिए। ये वर्टिकल लाइन आ, तो तुहानू पता ये सारा एंगल जिहड़ा सी ये 180 सी, जे 180 चों 60 माइनस कर दिए तो बाकी साढ़े कोल ए वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 60, कितना हो गया एंगल 180 माइनस 60। सो ये एंगल हो गया 180 माइनस 60। जो असी हुण टी टू फोर्स लैनी आ, जो टी टू फोर्स लाओगे
ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਪੋਜਿਟ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ 180 ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ 180 ਹੁੰਦਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ 180 ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ 180 ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 180 ਮਾਈਨਸ 30। ਸੋ T2 ਫੋਰਸ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੀ 180 ਮਾਈਨਸ 30। ਹੁਣ 40 kg ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, 40 kg ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜਿਟ ਜੋ ਜੋ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇਖੀਏ, 30 + 60। ਸੋ 30 + 60 ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 30 + 60। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T1/sin 60, T2/sin 30 ਐਂਡ 40/sin 90। ਸੋ sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 T2/sin 30 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1/2, sin 90 ਹੋ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਫਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਫਸਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ, T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 40 √3/2। ਫਸਟ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 40 × 1/2। ਸੋ 20 kg ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20√3 kg। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ T1 ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ T2 ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ T1 ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ T2 ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, 40 kg ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਦਾ 40 kg ਮਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਐਵੇਂ ਕਰਾਈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸਿਸ ਰੋਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਅ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮਾਸ 60 kg ਸਸਪੈਂਡਡ ਟੂ ਫਾਈਨ ਲਾਈਟ ਸਟਰਿੰਗ ਈਚ, ਵਨ ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਐਟ ਐਂਗਲ 60° ਟੂ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਈਚ ਸਟਰਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਟਰਿੰਗਸ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਆ, ਆਹ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 60 kg। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਆ 60 kg, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਨੀਚੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ 60 kg ਮਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲਵੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਡੀ ਆਫ ਮਾਸ 60 kg ਸਸਪੈਂਡਡ ਟੂ ਫਾਈਨ ਸਟਰਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ 60 kg ਮਾਸ ਆ ਇਹਦਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਟਰਿੰਗਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੂ ਫਾਈਨ ਲਾਈਟ ਸਟਰਿੰਗਸ, ਵਨ ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ T1 ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ 60° ਟੂ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 60° ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ T2, ਦੋ ਸਟਰਿੰਗਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 60° ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਈਸ ਸਟਰਿੰਗ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ T1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨੀਚੇ 60° 'ਚ ਮਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ। ਆਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਰੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ 60° ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸੀ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 60° ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
वेट नू इस तरीके असी बैलेंस किया हो इस तरीके उस वेट नू असी बैलेंस किया हो। हाँ जी हुण असी सपोज कर लैने जो फाइंड करना लैट टी वन एंड टी टू बी टेंशन्स इन ईच स्ट्रिंग। नाउ फोर्सेस केड़े केड़िया हो गई। सो फोर्सेस साढ़े को है टी वन टी टू एंड 60 के जी एक्टिंग एट ओ। ओ पॉइंट है आ वाला पॉइंट एक्टिंग एट ओ आर इन इक्विलिब्रियम बाय लेमी थ्योरम। बाय लेमीज थ्योरम सब तो पहले टी वन ओवर आएगा इस तरीके टी वन ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल दैन टी टू ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल दैन 60 ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। किन्ने किन्ने एंगल बना रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करिए। टी वन जो टी वन लेना असी टी टू तो 60 च एंगल देखा ये वाला टोटल एंगल कि टोटल एंगल कि चाहे तो इदा कह लो ये 90 एंगल इतों तक 60 ऐड कर दो 90 प्लस 60 हो गया। दूसरा मैथड पूरा सी 180 चो इस तरीके नहीं कह कर सकते असी इदा ही होना 90 प्लस 60। सो फस्ट एंगल आ गया 90 प्लस 60। ओके टी टू हूँ टी टू फोर्स देखो ये टी टू फोर्स आ एंगल सानू ये वाला चाहिए टी टू टी वन तो 60 के जी ये तुम्हें पता ये होरिजोंटल वर्टिकल लाइन ये होरिजोंटल लाइन इन एंगल ऑलवेज 90 डिग्री कि आ गया 90 डिग्री। हूँ 60 फोर्स हूँ सानू एंगल चाहिए ये वाला एंगल चाहिए कि होएगा ये एंगल टोटल से 180 चो 60 माइनस कर दो 180 माइनस 60 वो हो जाएगा टी वन एंड टी टू च एंगल। सो ये आ गया साढ़े को टी वन ओवर कॉस ऑफ 60 टी टू ओवर 160 ओवर साइन ऑफ 60 कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू टी टू 60 ओवर 1 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2। सो फस्ट फोर्स नू लास्ट वाली दे इक्वल रखोगे जां की करो पहले नीचे 2 ना मल्टीप्लाई कर लो टी 1 ओवर 1 इत्थे आ जाएगा टी 2 ओवर 2 आ जाएगा जे मैं 2 ना नीचे मल्टीप्लाई करा इत्थे आ जाएगा 60 ओवर अंडर रूट 3। सो फस्ट तो लास्ट में मिलाओगे तो टी वन की वैल्यू आ गई 60 ओवर अंडर रूट 3। सैकेंड तो लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ताड़े को टी टू की वैल्यू आ जाएगी 120 ओवर अंडर रूट 3। तो जो तुम अंडर रूट 3 ओवर नहीं रखना इन रैशनलाइज कर सकते अंडर रूट 3 ना मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइड तो ताड़े को आंसर आ जाएगा 60 अंडर रूट 3 ओवर 3। कैंसल कर दोगे वो ताड़े को आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 के जी। ये तुम इनू रैशनलाइज कर सकते हैं अंडर 3 ना मल्टी अंडर 3 डिवाइड करोगे सो 120 अंडर रूट 3 ओवर 3। सो ये आ गया साढ़े को 40 अंडर रूट 3 के जी। सो ये साढ़े को दो टेंशनज आ गई ये साढ़े को आ गई टेंशनज। हुण असी करन जा रहे हैं अज का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ। हाँ जी अज का लास्ट क्वेश्चन 3 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। 3 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। देखो पहचान इतों ही होनी एक्टिंग एट ए पॉइंट इक्विलिब्रियम कि लेमी थ्योरम लगनी है इक्विलिब्रियम होनी चाहिए तो इक्वल पॉइंट एक्ट करनी चाहिए फोर्सेज तो असी एंगल फाइंड करना। देखो की गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 3 फोर्सेज लगदी पई हैं तीनों फोर्सेज इक्वल आ से पी तिने फोर्सेज की आ इक्वल पी आ। तो सपोज कर लें ए एंगल अल्फा
ਏ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਸੋ ਏ ਐਂਗਲ ਗਾਮਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਟ ਪੀ ਬੀ ਈਚ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਬੀ ਐਂਗਲਸ ਐਜ ਸ਼ੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਫੋਰਸਿਸ ਪੀ ਈਚ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਓ ਆਰ ਇਨ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਲੈਮੀਸ ਥਿਊਰਮ ਪੀ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਪੀ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਪੀ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਗਾਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਇਹ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਇਹ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਗਾਮਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੀ ਸੇਮ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਸੇਮ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਸਾਈਨ ਗਾਮਾ ਜੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨੋ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 360 ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ ਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸੇ ਅਲਫਾ ਵਾ ਸਾਰੇ 360 ਸੋ 3 ਅਲਫਾ 360 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 120 ਸੋ ਅਲਫਾ 120 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਹੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸੋ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ 120 ਸੋ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋ ਈਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 120 120 120 120 ਸੋ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਸੇਮ ਆ ਇਕੁਅਲ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਈਚ ਆਫ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 120 ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4 ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਾਏ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਉ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ